बचपन में लाइव लाइव इंस्टा पे मैंने एक मंथ पहले का डाला पब्लिक अपले में चाला। ओके गाइस कैसे हो आप सभी लोग? डेस्कटॉप पे बैठे पिछले 4-5 घंटे से ना, 4 घंटे 3-4 घंटे 10 घंटे हो गए होंगे कंटिन्यू। सो हम लोग सुबह से एडिटिंग कर रहे हैं व्लॉग की और फाइनली व्लॉग हमारा एडिट हो गया है। तो कल के लिए रेडी है कि हम कल डाल सकते हैं व्लॉग। रेडी है हमारा व्लॉग। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितनी झंझट झपालों के साथ हुआ है। मतलब ये तो क्या होता है ना, ये लोग सब शूट करके हट जाते हैं, पूरी एडिटिंग मेरे को ही करनी पड़ती है। तो वही होता है, वैसा ही सीन रहता है। तो ये लोग इसका तो क्या काम है, ये सिर्फ शूट करके हट जाता है, बाकी फिर घर पे आके एडिटिंग मेरे को करनी पड़ती है अकेले को। एक सेकंड, तो ये देखो मैंने मतलब बहुत मुश्किल से एडिट हुआ है पूरा। ये इसको उठा के उधर रख के बता। किसको? इसको उठा के उधर रख के बता। रख के बता, ये जो ये क्लिप है ना, ये जो क्लिप है ना, इसको उठा के उधर रख के बता। अरे वो अभी मैं नहीं करूंगा, कल करूंगा, अभी मैं थक गया हूँ भाई। सो कल के लिए सब लोग रेडी है ना? मैं सिर्फ इसलिए लाइव आया हूँ कि कल तुम लोग बाकी सब लोग वीडियो देखते और लाइक नहीं करते। अभी का भी ये थोड़ा सा दिक्कत थी। क्यों भाई यार, मतलब देखो तो लाइक करा करो ना यार वीडियो को। मतलब मजा वो क्या, देखो अगर तुम देखोगे और लाइक करोगे ना तो अपनी वीडियो ऐसे तो 30 नंबर पे आती है, लेकिन 1 नंबर पे भी आएगी तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, दिल से अच्छा लगता है भाई। ट्रेंडिंग नंबर 1 इंडिया पे आएगी तो सोचो कितनी बड़ी बात होगी। अगर तुम लोग लाइक करोगे तो ही आएगी वो। इतने लोग लाइक नहीं कर पाते जितने लोग व्यूज। अगर तुम लोग 1 लाख लोग देख रहे हो, अगर 1 लाख के 1 लाख लाइक कर दोगे बस खत्म, एंड सीन, फिर बिल्कुल ही एंड जाएगा। और अगर एक बार ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ गई ना तो फिर हम एक बहुत बड़ी सीरीज की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हमारी प्लानिंग हो गई, हम बस निकलने वाले परसों। हाँ, मतलब कि मजा, मतलब कि मजा आएगा। बड़ा ब्लॉग, बड़ी चीज है। हाँ, वापस से वी आर बैक। 1 महीने के लिए जा रहे हैं हम। क्यों? हाँ, वी आर बैक और उसमें सब लोग रहेंगे, हमारी पूरी टीम रहेगी। तेरी मैगी है वो, तू क्यों? सो थ्रो डाउन जाओ। ये वाला अच्छा लगेगा। तो गाइस अभी हमारी व्लॉगिंग एडिटिंग चल रही है, व्लॉग के हो गई है, करना दे फुल क्वालिटी में, ठीक है। सो हम थोड़ा सा सरप्राइज दिखाएंगे गाइस आप लोगों को, थोड़ा सा कि कल का टॉपिक क्या हो सकता है ब्लॉगिंग का। करो पे, चलो 3-2-1। और ये मेरी क्या लगती है क्या नहीं ना, सब तो फाइनली बता ही देता हूँ। इतना ही बताऊंगा बस, आगे कल ब्लॉग देखना। थोड़ा सा सस्पेंस भी रहना चाहिए ना। क्या? अरियांशी दीदी कहाँ है? अरियांशी दीदी तो उसके घर पे सो रही हो, सो आती हो जल्दी। सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। हमको यही बताना अरियांशी दीदी इसकी, मेरी नहीं इसकी। मेरी ओए छोटी बहन है। हाँ छोटी बहन है, मैं बड़ा हूँ। और गधे, तू छोटा है, तू छोटा है उससे भी। तू 18 साल का और मैं 20 साल का हूँ। और वो कितने की है? कितने? काफी सारे लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में पूछा था कि भाई बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं। तो वो मैंने ऐसे ही एक सस्पेंस छोड़ा था, तो मैं आज बता रहा हूँ। अरियांशी सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रेंड है और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी आप लोग सोचते हो या जो भी कोई लोग सोचते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड हैं।